हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिविजिबिलिटी रूल। अगर हमें कोई नंबर चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगर उसकी यूनिट डिजिट पे, मतलब लास्ट डिजिट पे 0 है, 2 है, 4 है, या 2 का कोई भी मल्टीपल है, तो वो 2 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा। 3978 में लास्ट डिजिट 8 है और इसमें 0, दोनों 2 से डिविजिबल हैं। 3 के लिए आप सभी डिजिट्स का सम लोगे, कितनी भी डिजिट होंगी उनका आपको टोटल सम लेना है, और अगर सम करके जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 315 है, इसका टोटल सम किया हमारे पास 9 आया, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 729 का है सेम। अब 4 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट चेक करोगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए अगर लास्ट डिजिट पर 5 है या 0 है, तो वो होल नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब 4, 6, होल नंबर को आप देखोगे, अगर वो 2 या 3 से कॉमनली डिविजिबल है तो होल नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 6 है। 6 है तो वो 2 से डिविजिबल है ईजली। लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर 0 है, 0 2 से भी होगा और 5 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका नंबर ये 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन आप सम से चेक करोगे, अब यहाँ पर यू गेट 12, तो जो कि 3 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट चेक करोगे आप, 24, जो 4 से डिविजिबल है, तो होल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 5 है तो ये ईजली 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट में आप इसका होल सम, यूनिट डिजिट्स का सम चेक करोगे, आप इसको दो स्टेप से कर सकते हो, लास्ट 2 डिजिट से भी कर सकते हो। अगर लास्ट 2 डिजिट 2 से या 3 से कॉमनली डिवाइड है तो होल नंबर 6 से डिवाइड होगा। एज अ सम करोगे आप, तो सम करके आपके पास 30 आ रहा है, और 30 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये होल नंबर 6 से डिविजिबल होगा। लास्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू, प्लीज़ कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।